गुरप्रीत, ओए गुरप्रीत। हाँ भाई। चिट्ठी आई है भोपाल से विद्या मौसी की, शादी में नहीं आ पाएंगी। देखो अब काम कैसे होगा शादी का, कैसे होगी विद्या की शादी, मौसी नहीं आ रही उसकी। छोड़ दो तुसी, हमेशा ना आखिरी वक्त पे बताएगी कि नहीं आ रही, इसके लिए नाटक नहीं जाते, छोड़ो आप इसको। अरे तो अभी तक बोरी में से कौन ही निकाल रहा मेहंदी के, मेहंदी कब लगाएगा, देर हो गई है। अरे लगाएंगे आंटी जी, पहले विक्की भैया तो आ जाए। तो विक्की कौन सा दूर रहता है, ऊपर ही तो रहता है, बुलाओ उसे। एक जगह मेहंदी लगाने गए हैं, उनको पता ही नहीं था कि आज विद्या की सगाई है। नो, कर लो गल तुम लो। अरे विक्की इधर आ, कहाँ रह गया तू, देख सारी विद्या की सगाई की तैयारी। सगाई हमें बताया ही नहीं आपने। अच्छा ये कम मिल गया, सरकारी वकील है लड़का। हाँ और हमारी लड़की डॉक्टर, देख कितनी बढ़िया जोड़ी रहेगी, वकील और डॉक्टर। अरे डॉक्टर रंगीन टीवी के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी बना रही हो आप। हम बिट्टू नाम के लड़के से ना, बेटा लाइट आई है कि नहीं आई है ये पता करवाते हैं, और आपने शादी करवाया है। कहाँ है विद्या? विद्या यहाँ है हम। मम्मी पापा आप लोगों को पूरे ऋषिकेश में यही लड़का मिला मेहंदी लगाने के लिए। बेटा हम तो मना कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी नहीं मानी। अरे इतनी अच्छी मेहंदी लगाता है, सारे ऋषिकेश इस तो बढ़िया मेहंदी नहीं कोई लगाता। चलो बैठ बैठ जल्दी से, आधे पैसों में काम हो जाएगा। हाँ, आधे पैसों में दुल्हन के लिए शुभ होती है विक्की की मेहंदी। और तो और दुल्हन को अच्छी टिप्स भी देते हैं जिससे शादी कम से कम 7 जन्म चलती है। 7 जन्म गुप्ता जी की बेटी को तो इसी ने मेहंदी लगाई थी ना, 2 महीने नहीं टिकी उसकी शादी। पापा जैसी उसकी हरकतें थी ना, उसकी शादी 2 घंटे नहीं चलती, वो तो विक्की भैया ने मेहंदी लगाई थी इस वजह से 2 महीने टिक गई, वरना वो तो मेहंदी लगाते वक्त ही मुझ पे लाइन मार रही थी। अच्छी सी लगाना, सबसे बढ़िया वाली। अब विद्या जैसी लगवानी लगवा ले। अरे आप जाके तो पता करो 10 किलो मोती चूर के लड्डू का ऑर्डर दिया था, आए कि नहीं आए। हाँ जल्दी से देखो, मैं अंदर औरों का देख लूँ। हाँ तू मेहंदी लगा देना अच्छे से। विद्या अपनी मर्जी की लगवा ले, फिर ना कहना।